वेलकम अगेन। देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने रिस्क, रिटर्न्स और अनसर्टेनिटी, इनको हमने डिटेल में समझा, इनके मीनिंग को हमने समझा, किस तरह के रिस्क होते हैं, किस तरह से उनका मेजरमेंट होता है, रिटर्न्स को कैसे मापते हैं, रिटर्न्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, और रिस्क रिटर्न के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हमने समझा था। और क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, 55 मिनट्स के आसपास, इस वजह से मैं ये जो इसमें लास्ट टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन एंड टैक्सेशन ऑन रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसे मैं उस वीडियो में नहीं कवर कर पाया था। तो इसको आइए हम इसमें समझते हैं। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स है कि किस तरह से टैक्सेशन और ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो एक इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाले रिटर्न्स को अफेक्ट करती है। तो आइए उसको हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जो चीज़ें हमने कवर करवा दी थी पिछले में, रिस्क रिटर्न्स एनालिसिस क्या होता है, इनके मीनिंग्स को हमने समझा था, रिटर्न्स और रिस्क में क्या डिफरेंस है उसको हमने समझा था, रिस्क मेजरेबल है, रिस्क की फोरकास्टिंग की जा सकती है, अनसर्टेनिटी की हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी के बेस पर उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, रिस्क को सिस्टमेटिक यानी कि नॉन डाइवर्सिफिएबल और अनसिस्टमेटिक यानी कि डाइवर्सिफिएबल रिस्क में किस तरह से बांटते हैं ये हमने कवर किया था। सिस्टमेटिक रिस्क को हमने समझा था कि किस तरह से ये सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो मार्केट फैक्टर्स की वजह से होता है, यानी कि मार्केट्स की मूवमेंट से जो अफेक्ट होता है, और उसका हमने क्लासिफिकेशन को समझा था। ठीक है, इसी तरह से सिस्टमेटिक रिस्क को किस तरह से मापते हैं, बीटा क्या होता है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू अगर प्लस में है या माइनस में है या एक से कम है, ज़्यादा है, तो उसका क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे। इसी तरह से अनसिस्टमेटिक रिस्क यानी कि जो डाइवर्सिफिएबल रिस्क है वो क्या होता है, फर्म स्पेसिफिक रिस्क उसको क्यों बोलते हैं, और इस रिस्क को किस तरह से मापते हैं, और ये रिस्क कितनी तरह का होता है, इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, तो ये भी हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इसी तरह से रिस्क के जो प्रमुख मेजरमेंट्स किस किस तरह से होते हैं, टोटल रिस्क को कैसे मापते हैं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर्स में क्या डिफरेंस होता है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क को किस तरह से मापा जाता है, ये सारा भी हम कवर कर चुके हैं। रिटर्न्स का हमने मतलब समझा था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस एक इन्वेस्टर को मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पर, उसे हम रिटर्न्स बोलते हैं, और किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो सारा हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और इसमें रिटर्न्स का जो क्लासिफिकेशन जो पास्ट रिटर्न्स के बेस पर होता है, एक्स पोस्ट रिटर्न, जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स प्रोबेबिलिटी के बेस पर निकाले जाते हैं उसे हम बोलते हैं एक्स एंड रिटर्न। ठीक है, इसी तरह से होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जो पूरे ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, मान लो 5 साल आपने उस स्टॉक को, शेयर्स को अपने पास रखा है, तो उस टोटल पीरियड के दौरान जो रिटर्न्स आपको मिला, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, उसी को हम एवरेज कर सकते हैं, सिंपल एवरेज के भी निकाल सकते हैं और ज्योमेट्रिक एवरेज भी हम उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने समझा था, इफेक्टिव एनालाइज्ड रिटर्न, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 से ज़्यादा साल है, 5 साल 10 साल 20 साल, तो उसका एनुअल रिटर्न, इफेक्टिव रिटर्न कितना बैठेगा, उसे हम किस तरह से निकालेंगे, इसको हमने समझा था। यहाँ इस फॉर्मूले में छोटी सी मिस्टेक थी, -1 और करना है इसमें, तो 1 + Rn raised to power by 1/n - 1। Rn का मतलब जो मैच्योरिटी पर जो टोटल रिटर्न मिला वो। ठीक है, इसी तरह से ये जस्ट मैं एक बार थोड़ा सा कवर अप करके आपको वहाँ से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बीच में छोड़ा हुआ सा लग रहा है फिर ये वीडियो। अच्छा, इसके बाद एब्सोल्यूट रिटर्न्स, जब हम सिर्फ रिटर्न्स की बात करते हैं विदाउट रिस्क को कंसिडर किए, और रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स होते हैं जहाँ हम जो रिटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, रिटर्न्स इन एक्सेस ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न, यानी कि जो रिटर्न सिक्योरिटी से मिला मान लो 15, जबकि रिस्क फ्री रिटर्न कितना मिलता मान लो 8, तो 7% हमें एक्सेस रिटर्न मिला। अब ये जो हमने जोखिम कमाया, जोखिम उठाया उसकी वजह से 7% का एक्सेस रिटर्न मिला, लेकिन जोखिम कितना उठाया, मान लो 2 यूनिट इसमें जोखिम की है, तो पर यूनिट ऑफ रिस्क हमने 3.5 रिटर्न्स अर्न किया। तो इसका कंपैरिजन हम किसी दूसरे सिक्योरिटी से कर सकते हैं कि दूसरी सिक्योरिटी में है मान लीजिए यही चीज़ 18 - 8, लेकिन वहाँ पर हम जो जोखिम सहन कर रहे हैं वो है 3,
तो 18 - 8 = 10, 10 / 3 तो ये हो जाएगा 3.33। तो कंपैरेटिवली हम देखें तो दिस वन इज बेटर। तो इस तरह से रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स होते हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप को हमने समझा था। CAPM मॉडल इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकता है कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा RM यानी कि मार्केट रिटर्न माइनस RF जो कि अपना रिस्क रिवार्ड्स कहलाता है, ठीक है। और उसके बेस पर ये किस तरह से रिटर्न्स और रिस्क के बीच में रिलेशनशिप होता है वो सारा हम ये कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में जो हमें कवर करना है, जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है हमारे रिटर्न्स पर, किसका, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का और जो हमारे टैक्सेशन है उसका। तो आइए उसको हम इसमें समझते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टैक्सेशन ऑन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस रूप में होती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, कई आपने कोई शेयर्स खरीदा या बेचा, तो उसके खरीदने पर या बेचने पर जो आपको एक तरह से ब्रोकरेज कमीशन पे करना पड़ता है, उसी का ही नाम ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या करती है? आपके रिटर्न्स को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। किस तरह से कम करती है, आप इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझ सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इन फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज और कमीशन जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के टाइम पर आपको बियर करनी पड़ती है। अब ये एग्जांपल आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 10% डिबेंचर्स हैं किसी कंपनी के XYZ लिमिटेड के, 20,000 रुपये वाले आपने ख़रीदे और मान लो उस पर आपको 1% ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करनी हो, ठीक है। तो आपको 20,000 रुपये तो पे करने हैं प्लस इस 20,000 रुपये का 1% यानी कि 200 रुपये आपको और पे करने हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 ना रहकर 20,200 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट तो आपको पता है कि जो इसकी फेस वैल्यू उस पर मिलता है, तो 20,000 पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वही 2,000 रुपये। अगर अब आपको 20,000 रुपये में ही ख़रीदना होता तो ये रिटर्न बैठता 10%, लेकिन अब 20,200 में ख़रीदा है तो ये आपका रिटर्न 9.90% रह गया, ठीक है। यानी कि 0.10% से आपका रिटर्न रिड्यूस कर दिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट ने। तो ये इम्पैक्ट होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का रिटर्न पर, ठीक है। इसी तरह से जब आप इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, अब मान लीजिए इसी को डिबेंचर को 5 वर्षों के बाद आपने 22,000 रुपये में बेचा और मान लीजिए अब भी आप पर 1% ब्रोकरेज कमीशन अप्लीकेबल है, तो अब आपको कितना मिलेगा? 22,000 रुपये का बेचोगे और मान लीजिए ये कमीशन फेस वैल्यू पर भी हो सकता है, ये सेल प्रोसीड्स पर भी, जनरली कुछ ना कहे तो हम सेल प्रोसीड्स ले लेते हैं। तो सेल वैल्यू पर ये 1% लगा तो 22,000 पर 1% हो गया 220 रुपये। तो इफ़ेक्टिवली अब आपको जो 22,000 मिलने थे, देखा जाए तो 22,000 रुपये नहीं मिल रहे, केवल 21,780 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखें तो 200 रुपये आपने ख़रीदते टाइम कमीशन दिया और 220 रुपये उसको बेचते टाइम कमीशन दिया, तो 420 रुपीज़ का कमीशन आपने उस शेयर्स, उस डिबेंचर्स के या शेयर्स के ख़रीदने और बेचने पर दे दिया, ठीक है। तो ये 420 रुपीज़ की कॉस्ट जो 20,000 आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, रिटर्न्स को कम कर देगी 2.1% से। तो जो आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड का रिटर्न मतलब जितने टाइम आपने रखा कुल मिलाकर, इसमें परचेज और सेल का, परचेज से लेकर सेल तक का सारा आ गया, जैसे यहाँ आपने डिबेंचर का पूरे 5 वर्षों का जो रिटर्न है वो 2.1% से कम हो जाएगा। यानी कि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स क्या होता है, कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है वो हमारे रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको कम कर देती है, उसको रिड्यूस कर देती है। अब बात करते हैं टैक्सेशन का क्या असर होता है। टैक्सेशन जनरली दो तरह के टैक्सेशन हम स्टडी करते हैं इसमें, एक तो इनकम टैक्स जो इन्वेस्टर की इनकम पर अप्लीकेबल होता है, और एक होता है STT जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कैश जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं
तो उस शेयर्स के ख़रीदने या बेचने पर जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, उसे एसटीटी या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। और ये प्रॉफिट पर अप्लीकेबल नहीं होता, ये अप्लीकेबल होता है आपकी कुल मिलाकर जो सेल प्रोसीड्स पर या जो आपने ख़रीदा है उस खरीद मूल्य पर लगता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी आपके रिटर्न्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब किस तरह से अफेक्ट करती है, ये आपके रिटर्न्स को जनरली तो आपके माइंड में वही आ रहा होगा कि घटा देती है, कम कर देती है, लेकिन इसका असर दोनों तरफ हो सकता है। कैसे, ज़रा देखिए, इम्पैक्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑन रिटर्न। अब मैं थोड़ी देर के लिए एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से शुरू करता हूँ कि आपने अपने बैंक में FD करवाई 50,000 रुपये की और बैंक पर 8% की इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल होती है। अब इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी टैक्स ब्रैकेट में आता है। मैं पहले सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, STT को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, STT को मैं आगे ले रहा हूँ। तो अब यहाँ देखिए, अगर इन्वेस्टर टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स पेयर कब नहीं कहेंगे, अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो इसका मतलब टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता। तो अगर वो टैक्स पेयर नहीं है तो उसको पूरा का पूरा 50,000 पर 8% ब्याज, 4,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, पूरे 4,000 रुपये उसके, तो उसका रिटर्न कितना हो गया, 8%। अब सपोज़ कीजिए उसकी इनकम अधिक है 5 लाख से और वो 20% की टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो अब उसको जो 4,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है उस पर उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। और कितना टैक्स देगा, 20% की रेट, ठीक है, जो उस पर अप्लीकेबल है, और आपको पता है 4% सेस चलता है, ठीक है, एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस, ठीक है, और अब जो है इसमें जो है इसका एक इसको 1% से इसको और इंक्रीज कर दिया गया, तो 4% जो है इसमें आप ऐड कर दीजिए, तो 20 का 4% हो गया 0.8, तो 20.8% इफेक्टिवली आपका टैक्स घट जाएगा, जितना पैसा मिलेगा उसमें 20.8% तो टैक्स के चले जाएंगे, बाकी जो मिलेगा वो आपका होगा। तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न कम हो जाना है, कैसे, ये करके दिखाया भी हुआ हमने। इफ़ ही इज़ इन 20% टैक्स ब्रैकेट, ठीक है, इफेक्टिव इनकम वुड बी 4,000 माइनस 20.8%, 20.8 कहाँ से है, 20% टैक्स और 4% सेस। तो अब ये जो 4,000 रुपये मिले थे उसके आपकी पॉकेट में आएंगे सिर्फ 3,168 रुपये, और उसकी अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 3168 डिवाइड बाई 50,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका रिटर्न्स जो मिस्टर ए को मिल रहा था 8%, आप यानी कि मिस्टर बी को मिलेगा 6.336%। आपका रिटर्न कम हो गया, चीज़ वही है, अवेन्यू वही है, लेकिन इनकम टैक्स का असर आ गया। और अगर आप मान लीजिए सी तीसरी कैटेगरी में आते हैं, 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तभी और भी कम हो जाएगा। उस केस में 30% टैक्स और उस पर 4% जब आप सेस जोड़ेंगे तो 31.2% की रेट से आपका टैक्स कट जाएगा, बाकी पैसा मिलेगा। तो 30% टैक्स और 4% सेस, यानी कि 31.2% को मैं इस 4,000 में से लेस करता हूँ तो केवल 2,752 रुपये बचते हैं आपके पास, और ये इफेक्टिव रिटर्न कितना बैठेगा, 5.504%, ठीक है। तो इस तरह से असर आता है इनकम टैक्स का। अब इससे आपको लग रहा होगा कि इनकम टैक्स के कारण हमेशा ही आपका रिटर्न कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इफेक्टिव टैक्स रिटर्न आपका बढ़ भी सकता है। और वो कैसे बढ़ता है, देखिए, बट समटाइम्स टैक्स अफेक्ट द रिटर्न्स पॉजिटिवली। कैसे, खास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज इस तरह के हैं जो 80C सेक्शन में कवर होते हैं, जो 1,50,000 रुपये की सेविंग आप कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत, ठीक है, तो उसमें कवर होने वाले इन्वेस्टमेंट में कई बार इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जितनी हायर आप टैक्स ब्रैकेट में होते हैं उतना ही रिटर्न आपके लिए अधिक हो जाता है। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि मिस्टर ए है, ठीक है, वो मान लो 30% टैक्स ब्रैकेट में आने वाला है और उसने 50,000 रुपये की अब FD नहीं करवाई, उसने PPF करवा दिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया। और अभी पीछे एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें आपको बताया था कि सभी इन स्कीम्स के बारे में बताया था, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में डिटेल में, कि किस स्कीम्स पर अभी कितना इंटरेस्ट मिलता है और कौन सी स्कीम पर रिटर्न टैक्सेबल होता है, कौन सी पर टैक्सेबल नहीं होता। तो PPF जो है एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, यानी कि इस पर मिलने वाला रुपया जो है वो टैक्स फ्री होता है।
जो आपको लास्ट में रिटर्न वापस मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होता है, जो अभी आपने इन्वेस्ट किया वो भी आपकी टैक्स ब्रैकेट में आता है, मतलब सेविंग में डिडक्शन में शामिल होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने इस पर जो इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है अभी 7.1% है। अब एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने जो इन्वेस्ट किए 50,000, तो 50,000 रुपये, 15,600 रुपये तो आपका टैक्स सीधे ही बच जाएगा। कैसे? क्योंकि 50,000 रुपये से आपकी इनकम कम हो गई। अब इनकम 50,000 रुपये से कम होगी, लेकिन ध्यान रखिए मैक्सिमम लिमिट सब कुल मिलाकर 1,50,000 होती है, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। 1,50,000 रुपये की सेविंग आप अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसके बाद आप PPF में लगाएं या जिसमें लगाएं तो उसमें ATC वाला इस तरह का बेनिफिट आपको कोई भी नहीं मिलेगा। मैं मानकर चल रहा हूं कि अभी इन्वेस्टमेंट में गुंजाइश है और आपने 50,000 रुपये जो लगाएं उस 1,50,000 में शामिल हैं। ठीक है, तो 50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए तो आपका आप 30% की टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, यानी कि 31.2% आप पर इफेक्टिव टैक्स रेट अप्लीकेबल है। तो देखा जाए तो 15,600 रुपये तो आपका टैक्स वहीं बच गया, आपकी इनकम 50,000 रुपये से कम हो गई और इनकम 50,000 रुपये से कम होने के कारण आपको 15,600 रुपये टैक्स तो सीधा ही कम देना पड़ेगा। और 15 वर्षों बाद आपको क्या मिलेगा? अब देखिए, ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि PPF पर इनकम PPF पर जो इंटरेस्ट की रेट है वो चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट हर साल चेंज कर सकती है उसको। बट अब कैलकुलेशन की सुविधा के लिए मैं इसको 7.1% ही मान रहा हूँ। दूसरा कंपाउंड रेट से लगता है इस पर इंटरेस्ट, लेकिन समझाने के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट भी लगाता हूँ तो 50,000 पर 7.1% अगर मैं मानता हूँ कि रेट थ्रू आउट 15 ईयर्स, आपको पता है इसका लॉक इन पीरियड होता है, तो 15 वर्षों तक ये सेम भी रहती है तो 7.1% के हिसाब से और 15 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, ये ब्याज कितना बनता है? ये ब्याज बनता है आप देखिए 53,250 रुपये। ठीक है, तो अब देखा जाए तो आपने कितना कमाया? आपने 53,250 रुपये तो इंटरेस्ट कमाया और 15,600 रुपये आपको जिस टाइम आपने इन्वेस्ट किया उसी टाइम आपको फ़ायदा मिल गया था, तो 68,850 रुपये आपका एक तरह से इफेक्टिव रिटर्न है। और ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री है क्योंकि इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो 68,850 50,000 पर कितना परसेंट बैठते हैं? 137.7% का रिटर्न बैठता है। और अगर मैं इसकी सिंपल एवरेज भी निकालूं तो 15 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये रिटर्न 9.18% बैठता है, जबकि आपको इंटरेस्ट रेट केवल 7.1% ही मिल रहा था। तो इस तरह से टैक्सेशन की रेट अगर किसी पर अप्लीकेबल है तो उस पर ये टैक्स जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल देता है, उसके लिए रिटर्न पॉजिटिव भी हो जाता है। अब देखो, अगर ये 30% की रेट में है तो इतना आ रहा है, अगर यही इन्वेस्टर 20% की टैक्स रेट में आ रहा होता तो इसको कितना मिलता उस टाइम सेविंग के टाइम? 50,000 पर 20% और 4% सेस लगा लीजिए 20.8%, तो उस टाइम इसको सेविंग मिलती, ठीक है, और प्लस 53,250 रुपये का इंटरेस्ट मिलता, तो कुल मिलाकर जो इसको अमाउंट मिलना था, ठीक है, वो इसमें शायद कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, कुछ गलत है, हाँ ये 137% आ रहा है और ये 127.3, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये इफेक्टिव रिटर्न 8.48% हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है इन्वेस्टर तो 9.18%, और यही अगर 20% टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है तो 8.48% का रिटर्न। तो टैक्स रेट जितनी हाई है उतना ही रिटर्न उसके लिए अधिक होता जा रहा है, बशर्ते ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, ये और जो ATC के सारे इन्वेस्टमेंट मिलाकर उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 1,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट वो पहले ही कर चुका है दूसरे एवेन्यू में, तो अब ये जो 50,000 रुपये किए हैं उसका बेनिफिट उसको सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक है, जो टैक्स सेविंग के रूप में जो एडवांटेज मिल रहा है 15,600 रुपये वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये तो रही PPF की बात कि भाई एग्जेम्प्ट है। इवन जो 5 ईयर की जो FD होती है, ठीक है, जिस पर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं होता, लेकिन उस पर जो हम रुपया लगाते हैं वो ATC की कैटेगरी में आता है, सेविंग में आप उसको दिखा सकते हैं, डिडक्शन में आप दिखा सकते हैं, तो उस पर भी टैक्स का बेनिफिट बैठता है। किस तरह से बैठता है? देखिए, उस पर इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, मैं आपको बता दूं।
अब ये 5 ईयर टैक्स सेविंग आपने लगाया FD, NSC लगाया मान लीजिए, या 5 ईयर पोस्ट ऑफिस की FD में लगाया, या बैंक की FD में, जहाँ जो ATC के लिए एलिजिबल हो, 5 वर्षों वाली, 5 वर्षों का इसमें लॉक इन पीरियड होता है, 5 वर्षों तक आप रुपया नहीं निकाल सकते हैं, तो 7% मैंने मान लिया उस पर इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है, और इन्वेस्टर मान लीजिए 30% की टैक्स ब्रैकेट में आता है। अगेन मैं वही 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मान लेता हूँ, तो 50,000 रुपये जब वो इन्वेस्ट करेगा तो 15,600 रुपये तो उसको सीधा वहीं टैक्स बच जाएगा, ठीक है। अब अगर वही इंटरेस्ट, अब ये इंटरेस्ट जो है आपका 5 वर्षों बाद जो मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल 1+R/100 रेस्ट टू पावर बाय टाइम, और माइनस इसमें से प्रिंसिपल लेस कर देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो वही मैंने लिखा है P(1+R/100)-T-P, ठीक है। तो कितना ब्याज बना कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, 20,127 रुपये इसका ब्याज बना 7% के हिसाब से, अगर मैं लगाता हूँ कंपाउंडिंग रेट से, ठीक है। अब आप देखिए कि 5 वर्षों बाद जो ब्याज मिलेगा अपनी, मतलब उसको 50,000 रुपये के कितने वापस मिलेंगे, 70,127 रुपये वापस मिलेंगे, लेकिन ये PPF की तरह एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आता, यहाँ जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स कटेगा। तो अब वो 30% की टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, तो 5 साल बाद जब उसको ये 20,127 रुपये मिलेंगे तो उसमें से हम टैक्स काट देंगे, कितना टैक्स, 30% टैक्स रेट और 4% सेस, ठीक है। तो वो जब हम इसमें ऐड कर देंगे, एक मिनट, सो एक्सक्यूज मी, तो मैं कह रहा था कि उस टाइम 30% टैक्स रेट, ठीक है, वो अगर आप इसमें से घटा भी देंगे तो भी उसको कितना रुपया वापस मिलेगा, देखिए 20,127 में से 30% टैक्स रेट और उस पर 4% सेस लगाकर 13,847 रुपीस जो है उसको मिलेंगे वापस, तो उसका इफेक्टिव रिटर्न कितना बैठा, 15,600, 13,847, तो 29,447 रुपये इसको मिलेंगे, और ये परसेंटेज रिटर्न में अगर आप निकालें तो 29,447/50,000 × 100, तो 58.89% हो गया, और इसको अगर मैं एवरेज रिटर्न में कन्वर्ट करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 11.78%, जो कि अपने आप एक बड़ा हैंडसम रिटर्न है। तो इस तरह से जो आपका टैक्सेशन है वो पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब यही 20% वाली टैक्स ब्रैकेट में होता तो ये चीज़ कम हो जाती इसी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं STT की। STT होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहाँ अप्लीकेबल होता है, कि एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी, जब आप सिक्योरिटी को ख़रीदते हैं बेचते हैं तो उस टाइम ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब ये किस पर लगता है, सेल प्रोसीड्स पर या बाइंग वैल्यू पर, और इससे भी आपका रिटर्न कम हो जाता है। एग्जाम्पल हमने दिया है, ठीक है, कि राम ने 1,000 शेयर खरीदे एक्स लिमिटेड के 120 रुपये के हिसाब से, और 6 महीने बाद उनको 125 के हिसाब से बेच दिया, और STT रेट मान लो 0.1% अप्लीकेबल है, तो ऐट द टाइम ऑफ परचेज 120 × 1,000 यानी कि 1,20,000 पर 0.01% के हिसाब से कितना टैक्स दिया उसने, 12 रुपये, और सेल के टाइम 13 रुपये, तो 12 और 13 = 25 रुपये दिए। अब देखने में बहुत छोटा सा अमाउंट लग रहा है, लेकिन अगर जब आप बड़ी ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखिए, जब लाखों में ट्रेडिंग आप कई सौदे जब कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बार बार यही छोटे छोटे अमाउंट जो है आपके रिटर्न्स को बहुत हद तक कम कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो रिटर्न्स है वो 25 रुपये से कम हो जाएगा। कि आपको रिटर्न मिलता कितना, देखा जाए तो आपने 1,000 शेयर पर शेयर 5 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो 1,000 × 5 = 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब इस 5,000 रुपये सारे आपके नहीं है, इसमें से कुछ ब्रोकरेज चली जाएगी, कमीशन चला जाएगा, और 25 रुपये आपका STT चला जाएगा, और जो इनकम टैक्स लागू होगा वो अलग। तो इस तरह से ये आपके रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो सिक्योरिटी, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है और जो टैक्सेशन है, ठीक है, उसका क्या असर होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स पर। तो आई होप इससे अब आपको जो है रिस्क
और रिटर्न्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। रिस्क की टाइप्स, रिटर्न्स की टाइप्स, इनके कैलकुलेशंस के मेथड्स और रिटर्न्स पर किस तरह से इम्पैक्ट आता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट का और टैक्सेशन का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।